अस्सलाम वालेकुम। आपको आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों के पास अभी रिसेंटली जो है मेरे स्कूल के दोस्त ने जो है केस किया नॉर्थ कराची सेक्टर 5 ही से सूबाई वफाकी मोहतसिब से बाला में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और इसलिए केस किया कि भाई हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जबकि लोड शेडिंग के जो है बिलों की हर बंदा जो है बिल उसके बिल्कुल पेट जा रहे हैं, फिर लोड शेडिंग क्यों है भाई। तो उन्होंने वफाकी मोहतसिब में केस किया, वफाकी मोहतसिब के मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने केस किया। वहाँ से उनको रिस्पॉन्ड मिला कि जो है ना अभी उनके इलाके में हाई लॉस है। हाई लॉस है तो कैसे भाई, ये उसमें वजाहत नहीं दी गई। तो भाई मैं इस चीज़ की तस्दीक करता चलूँ कि हमारे इलाके में स्ट्रीट लाइट चल रही है, स्ट्रीट लाइट का बिल सरकार पे कर रही है या नहीं कर रही हमें नहीं मालूम। स्ट्रीट लाइट के जो यानी कि जो पे होता है वो बिल जो होता है वो सरकार करती है, सरकार की ज़िम्मेदारी है। टाउन इंतज़ामिया डीसी सेंट्रल या एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल की ज़िम्मेदारी होती है, इनके क्या बोलते हैं M&E डिपार्टमेंट के मातहत आती है के इलेक्ट्रिक नहीं स्ट्रीट लाइट्स। तो स्ट्रीट लाइट्स का डिपार्टमेंट M&E डिपार्टमेंट के मातहत होता है, और इसका जो है पे जो होता है वो सरकार करती है, के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे नहीं होता, आवाम के ज़िम्मे नहीं होता। ये जो ऑफिशियल स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, और स्ट्रीट लाइट में IPC कनेक्टर लाजमी लगा हुआ होना चाहिए, तो वो जो है ना फिर आवाम की जेब से नहीं जाएगा बिल, वो सरकार की जेब से जाएगा, जो कि होता है सालों से ये चीज़ चली आ रही है कानून के मुताबिक। खैर कानून क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि स्ट्रीट लाइट का बिल गवर्नमेंट के जेब से होता है। अब दूसरी बात ये है कि अब अगर हाई लॉस का है आपको वफाकी मोहतसिब ने, तो आपका काम बनता है कि आपके उस PMT के अंदर हदूद में रहते हुए आसपास में देखिए कि ठीए कितने लगे हुए हैं, ठीओ पर लाइटें कितनी जल रही हैं, उनकी बाकायदा तस्वीरें लें, उनके बारे में यानी कि आगाह करें वफाकी मोहतसिब को, और उसमें ये चेक करें कि भाई ये हर TA में कितने LED बल्ब्स लगे हुए हैं। आजकल तो LED लाइट चल रही हैं 24 वाट की, 14 वाट की, 11 वाट की, 20 वाट की, 30 वाट के, 40 वाट के बल्ब वगैरह जल रहे हैं, या 85 वाट के भी लोग जलाते हैं। तो आप ये TA चेक करें, TA कितने लगे हुए हैं, हर TA में जो है कितने कितने वाट के वो लगे हुए हैं, और उसके बाद आप जब ये केस करेंगे तो फिर उसके बाद आप उसमें बताएं, उसमें वादे करें भाई कि 10 12 15 TA लगे हुए हैं इस हदूद में, और हर किसी के पास जो है दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच जो है LED लाइट्स लगी हुई हैं, तो उसका बिल कैसे हासिल किया जा रहा है और किसकी PMT में डलता है। अगर वो के इलेक्ट्रिक वाले वफाकी मोहतसिब आलम कहते हैं कि भाई इनका बिल फिक्स है, तो भाई बिल फिक्स कैसे, फिर बिल फिक्स क्यों है फिक्स, पहला सवाल तो ये होता है। अगर वो यानी कि 4 बल्ब जला के महीने में जो है यानी कि 10,000 का बिल जला रहा है और उसका बिल 2,000 रुपये आ रहा है, तो भाई वो 8,000 रुपये किसके खाते में जा रहे हैं, ये आपने चेक करना है किस तरीके से, और आपने ये बात करनी है वफाकी मोहतसिब में, और वफाकी मोहतसिब इस मामले में एक्शन लेता है। आप वफाकी मोहतसिब में जाके बोलें भाई फिक्स का चक्कर आप ख़त्म करें लोगों के ऊपर से, आप उनके ऊपर फिक्स का चैप्टर टोटल क्लोज करें, उनका जो यूनिट बन रहा है उसका बिल भेजें, आप उनके जो है मीटर बाकायदा लगा के जाएँ, नहीं तो ये ठियों पर से लाइट बंद करें। आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ये करना ज़रूरी है ऑब्जेक्शन, अगर आप ये ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका हक आपको इस तरीके से मिल सकता है, वफाकी मोहतसिब दिलवाएगा आपको हक। बहुत एहतरामन और बहुत ईमानदारी से वफाकी मोहतसिब में जो है कार्रवाई होती है। मैंने चलते फिरते वाले की वीडियो देखी थी, वो वफाकी मोहतसिब में गए थे और वफाकी मोहतसिब के जो डायरेक्टर हैं जो रेजिडेंट डायरेक्टर, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की थी, और वो जो है जिस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर केसेस ख़त्म कर देते हैं और उस पर यानी कि बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, और आपके इलाके में अगर यानी कि हाई लॉस कह रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले के, आपके इलाके में बहुत हाई लॉस है, तो फिर आप ये TA चेक करें, और के इलेक्ट्रिक वाले से आप वफाकी मोहतसिब में कह सकते हैं केस के दौरान में कि भाई जो स्ट्रीट लाइटें जलती हैं उसका बिल सरकार पे कर रही है या नहीं कर रही, इसका ये बिल का है, ये दिखाओ, ये सबूत दो।
तो फिर वो आपको नेक्स्ट पेशी में सबूत देने का अहल हो जाएगा कि हाँ बिल सरकार पे कर रही है नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो फिर आप उनसे कह सकते हैं कि भाई के इलेक्ट्रिक का लॉ डिपार्टमेंट इस वक्त क्या सो रहा है, जो यानी कि अदालत ने जाता है इनके खिलाफ। तो आप इस तरीके से बिल रिकवर कर सकते हैं, आपका जो है हाई लॉस से जान छूट सकती है, आप हो सके तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और आवाम तक इसकी रहनुमाई लाजमी करवाएं, आवाम को इस मसले से रोशनास लाजमी कराएं, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।